अरे बेटा छोड़ दो पंजा, मत लड़ाओ, हाथ टूट जाता है पंजे से। सबसे बड़ा मिथ है ये आमले सिंह में कि आने से पहले ही, मेरे को भी पहले बहन से बोला था, सबके बहन जो बड़े जो होते हैं वो बोलते हैं कि आमले सिंह से आपका हाथ टूट जाता है, पंजा मत लड़ाओ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे टूटता है कैसे नहीं टूटता। तो सबसे पहली बात ये होती है नेचुरल पोजिशन जिसमें प्रोफेशनल खेलते हैं, ये होती है नेचुरल पोजिशन जिसमें बच्चे स्कूल में कॉलेजों में जान लगा रहे होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं खेलना होता। इसमें क्या गलती है मैं बताता हूँ। देखिए कभी भी आमरे सिंह खेल रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो एकदम सीधा खड़ा होना है, बंदे की तरफ पूरी अपनी बॉडी को शो करना है। शो करने का मतलब कि चेस्ट सामने दिखनी चाहिए, आपको शोल्डर सामने होना चाहिए, सब कुछ सीधा होना चाहिए। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे ये ऐसा टूटेगा ना, मेरा हाथ तक टूट रहा है, यहाँ पे प्रेशर आता है, शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है, मेरा हाथ इसके जा ही नहीं पाएगा। बट अगर मैं इसको सीधा कर दूं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे लॉक हो गया, आवाज भी आ रही है हाथ से। तो यही होता है। तो ऐसी अननेचुरल पोजिशन में ऐसे करके हाथ, ऐसे करके हाथ, ऐसे नहीं खेलना, सीधा खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा, और ऐसे करके सीधा खेलना। ऐसे कौन खेलता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा अपने भाइयों के डाल रहे थे, तो बच्चों बच्चे खेल रहे होते स्कूटी पे, ऐसा नहीं करना होता। सीधा खेलो, चेस्ट को सामने रखो, एल्बो को सामने रखो, शोल्डर्स अपने सीधे रखो। रेफरी भी क्या करता है मैच में, वो आपके जो शोल्डर होता है उसे सीधा करवाता है, इसी पर्पज से करवाता है, अगर कभी आप मैच में खेलोगे तो सीधा करवाता है। तो सीधा शोल्डर रखो, अपना जो शोल्डर को सीधा रखो, एल्बो सामने, चेस्ट को सामने की तरफ फेस करो, ये सारी बातों को ध्यान रखो जब भी आप मैच कर रहे हो। तो इससे मैं कहूंगा कि आपका आपका शोल्डर ना के बराबर, लाइक हो ही नहीं सकती इंजरी, अगर आप एकदम प्रॉपर फॉर्म से कोई भी चीज कर रहे हो ना, प्रॉपर फॉर्म से जिम कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्म से आर्म रेसिंग कर रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, ना आपका हाथ पैर कुछ नहीं टूटेगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। दिस इज मी तुषार, जय हिंद।